प्रदर्शन आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मटेरियल कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है तो वो अपने मटेरियल को कंट्रोल करती है उसका मटेरियल 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए स्टोर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए और उसमें मुख्तलिफ लेवल होते हैं और उसको अपने लेवल के हिसाब से वो उसको मेंटेन करती है। तो जिस तरह हमारा कोई भी स्टोर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा मटेरियल का होना लाजमी है क्योंकि मटेरियल से प्रोडक्शन होती है और उसके अंदर मटेरियल का कंट्रोल करना लाजमी है। तो डिस्ट्रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल कंट्रोल के अंदर हमारे पास मटेरियल स्टोरेज होता है और फिर उसके अलावा जब मटेरियल स्टोर होता है हम उसे प्रोडक्शन के हिसाब से उसको वहां से फिर इशू करवाते हैं कि मटेरियल को इशू किया जाता है स्टोर से प्रोडक्शन पर्पज के लिए डिपार्टमेंट के अंदर हम उसको इशू करते हैं। तो डिस्ट्रेस के अंदर हम आज जो हम देखेंगे कि एक छोटा सा हमारा उसके अंदर टॉपिक हम जनरेटली करें कि हमारे पास एडिशनल कॉस्ट हमारे पास इंक्रीज फॉर डिफेक्टिव गुड्स तो उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स होती हैं जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर लाजमी बात है कि प्रोडक्शन के अंदर हमारे ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं वो जो हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होते हमारे मियाद के मुताबिक नहीं होती फिर क्या होता है फिर हम उसकी दो पोजिशन होती है या तो फिर हम उनको डिफेक्टिव कंसीडर कर देते हैं और उसके अलावा दूसरी पोजिशन ये होती है जब हम उसको रीप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उस प्रोसेस को दोबारा उस पर एडिशनल हम मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवर उस पर लगा के हम उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर हम फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये डिफेक्टिव गुड्स जो है वो क्या है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि दीज दोस गुड्स व्हिच हैव डेवलप्ड सर्टेन इंपरफेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑपरेशन कि ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन पीरियड के अंदर अधूरी हो जाती है अनकंप्लीटेड होता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं बट दोस गुड्स उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है उस पर एक एडिशनल मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवर उस पर चार्ज करके उसको दोबारा रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो डिस्ट्रेस के अंदर फिर ये देखते हैं कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की इंट्रीज होती हैं जो कि हम डिफेक्टिव गुड्स की सूरत में पास करते हैं। हमारे पास ये जो है एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू जॉब ऐसे जो हम एडिशनल कॉस्ट करते हैं ऐसी कॉस्ट जो हम जब प्रोडक्शन डिफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम उससे इनपरफेक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको करेक्ट करने के लिए हम दोबारा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजते हैं तो उस पे जब हम मटेरियल लेबर और फैक्ट्री और कॉस्ट करेंगे तो उस पे फिर हम ये देखेंगे जब हम जॉब कॉस्ट करते हैं और उसके बाद जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देते हैं तो हमारे पास दो पोजिशन आ जाती है। जब फर्स्ट जब हम उस जॉब एडिशनल यानी कि जॉब पे जब चार्ज करेंगे एडिशनल कॉस्ट जो है जो हम दोबारा उसको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या उसे दोबारा जो इंपरफेक्शन को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट करने के लिए जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जब हम एडिशनल कॉस्ट जब हम जॉब पे चार्ज करेंगे तो हमारे पास जो एंट्री होगी वो होगी वर्क इन प्रोसेस मटीरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे और उसके साथ हमारे पास मटीरियल है उसको क्रेडिट करेंगे पेरोल को क्रेडिट करेंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड
फैक्ट्री ओवर ये इस वक्त पोजीशन आ जाती है जब हम एडिशनल कॉस्ट जॉब को चार करते हैं कि कॉस्ट और लेबर मटेरियल एंड फैक्टर की कॉस्ट हो और उसके बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन आ जाती है कि हम वर्क प्रोसेस डेबिट एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड उस अंदर देते हैं कि वर्क प्रोसेस मटेरियल डेबिट वर्क प्रोसेस लेबर डेबिट वर्क प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं और उसके साथ हम ये करेंगे कि मटेरियल क्रेडिट पेरोल अकाउंट क्रेडिट और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो हम उसे क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड और इसके अंदर हमारे पास सेकंड पोजीशन जो होती है कि जब हम एडिशनल सेकंड जो है हमारे पास जो एंट्री है वो ये है कि एडिशनल कॉस्ट चार्ज जॉब कि जब हम वो कॉस्ट जॉब को चार्ज करेंगे एडिशनल कॉस्ट जॉब जो जॉब को चार्ज करेंगे तो उस वक्त हम जो एंट्री पास करते हैं वो ये होती है कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे और ये तीनों चीजों को हम डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट और उसके साथ हमारे पास मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा पेरोल क्रेडिट हो जाएगा और उसके साथ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे कि एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू जॉब कि हमने जो एडिशनल कॉस्ट की किसको चार्ज करें हम जॉब को चार्ज करें उसके साथ हम ये देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जब हम एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड जब फैक्ट्री ओवरहेड को एडिशनल कॉस्ट चार्ज करेंगे तो वो सब जो होगा एडिशनल का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट पेरोल और क्रेडिट और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्रेडिट करेंगे इस एंट्री के अंदर और इसके बाद जब हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हम उस प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिनिश गुड्स जब उसको तैयार करते हैं फिनिश गुड्स के मरहले में आ जाते हैं तो फिनिश गुड्स के अंदर हम ये लिखते हैं कि हमारे पास फिनिश गुड्स डेबिट और जैसे काम कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है और ये वो प्रोडक्ट जो हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स थी और उसको रिप्रोडक्शन किया तो सब जो है रिप्रोडक्शन करने के बाद जब कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास फिनिश गुड्स के बारे में यूनिटी बात करेंगे फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पहले डेबिट था और उसके साथ हमारे पास वर्क इन प्रोसेस लेबर को हम क्रेडिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को हम उसे क्रेडिट करेंगे और उसके बाद हम सेकंड जब एडिशनल चार्ज कॉस्ट चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड उसके अंदर जब जॉब कंप्लीट हो गई उसके अंदर फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को क्रेडिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस लेबर को क्रेडिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे ये स्टडी जी हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये देखा कि प्रोडक्शन के दौरान में जब भी प्रोडक्शन डिफेक्टिव गुड्स आ जाती है ऐसी प्रोडक्शन जो हमारे स्टेटस के मुताबिक प्रोड्यूस हम नहीं कर पाते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसके मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं मशीनरी के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं लेबर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो इसकी वजह से जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे प्रोडक्शन स्टेटस के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं होती फिर जब हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट आते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम फिर क्या करते हैं उस पे फर्दर हम उसे रीप्रोडक्शन में जाते हैं दोबारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजते हैं और उस पर एडिशनल मटीरियल का कॉस्ट खर्च करते हैं और उस पर एडिशनल लेबर खर्च करते हैं एडिशनल फैक्ट्री को चार्ज करते हैं उसके अलावा उस प्रोडक्ट को हम रीप्रोडक्शन करके उसको दोबारा जो है उसको दोबारा कंप्लीट करते हैं उसे फिनिश गुड प्रोसेस तक उसे कंप्लीट करते हैं उस प्रोडक्ट को मुकम्मल करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास फिर इसके अंदर दो ही पोजीशन आ जाती है कि एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू जॉब जब हम एडिशनल कॉस्ट हम जॉब को चार्ज करेंगे तो हमारे पास ये एंट्री पास होगी और उसके बाद दूसरी पोजीशन जो होती है कि एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड जब हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को चार्ज करेंगे तो हमारे पास जो है फिर हमारे पास ये एंट्री आ जाती है तो ये एक हमारा टॉपिक था कि हमारे पास एंट्री एंट्रीज फॉर डिफेक्टिव गुड कि जब डिफेक्टिव गुड्स जो हम एंट्री पास करते हैं हमारे पास ये सिक्स एंट्रीज हैं कि थ्री एंट्रीज ऐसी हैं जो हम कॉस्ट चार्ज टू जॉब और हमारे पास थ्री एंट्रीज ऐसी हैं जो कॉस्ट चार्ज टू फैक्ट्री तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कॉस्ट रिपोर्टिंग का कि डिफेक्टिव गुड्स हम जनरल एंट्री किस तरीके से करते हैं उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम कैसे कैसे उसकी
यूनिटी करते हैं, ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जस्ट हमारा मकसद जो है वो प्राइवेट एजुकेशन वाला जो चैनल है उसके अंदर हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, बच्चों को बेसिक कंसेप्ट देना होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से बेसिक एनिमिटी होती है, हमारे पास कौन कौन से बेसिक टॉपिक होते हैं और हमारे पास अकाउंटिंग की कौन कौन से, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में भी, बेसिक अकाउंटिंग के बारे में भी हम लेक्चर देते हैं, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी लेक्चर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ आ गई होगी और इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।